मेरे काम में कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है और आई नहीं। और जब आपको थ्रेट्स आ रहे थे, अटैक्स हो रहे थे, तरह तरह की चीजें हो रही थी, तब आपको कभी ऐसा लगा कि यार छोड़ देना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये लड़ाई क्या वर्थ इट है, ऐसे कभी थॉट्स है? रोज लगता है, उस समय भी लगता था। मैं शुरुआत ही इस बात से करता हूँ कि अब बहुत हो गया, पहला शब्द टाइप करता हूँ तो लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो होते हैं, मुझे पता था कि टैंजेबल फॉर्म तो ले ही लेगा, मुझे इतना अपने आप में भरोसा है कि मैं टैंजेबल फॉर्म तो दिला ही दूंगा। मुझे पता नहीं था कि वो फॉर्म चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि और या लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। जो विनय ने बनाया और उसने रिकॉर्ड किया है, वो मेरी कहानी तो नहीं है। वो ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट जिनकी कहानियां नहीं कही गई, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है इस 10 साल, उन सब की एक रिप्रेजेंटेटिव कहानी है। मैं वैसा कवि तो नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनता हूँ तो लगता है यार ये गाना तो काश मैंने लिखा होता, यही वाला गाना मैं लिखना चाहता था। हाय विनय, हाय रवि सर, वेलकम टू सिनेमा एक्सप्रेस। कांग्रेचुलेशन सबसे पहले पीबोडी अवार्ड जीतने के लिए, वेल वी वॉच को रिसेंटली अवार्ड मिला। थैंक यू। और मेरा सबसे पहले सवाल आप दोनों से यही था कि वाइल वी वॉच एज अ फिल्म आप दोनों के लिए क्या मीन करती है एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ मेकर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री। आई वांटेड टू मेक अ फिल्म दैट हेल्प पीपल सी हाउ आई सी द वर्ल्ड, यू नो, लगातार हमसे, लाइक राइट नाउ व्हेन पीपल आर वॉचिंग द फिल्म, वेरी ऑफन दे कम आउट फ्रॉम वॉचिंग द फिल्म एंड दे गो लाइक, ओ आई हैड नो आइडिया दैट ऑल ऑफ दिस वॉज हैपनिंग, और दिस वॉज और रवीश's लाइफ इज लाइक दिस, और NDTV के अंदर में ये चल रहा था, राइट? पीपल गेट वेरी सरप्राइज एंड आई थिंक इट्स हम एक दूसरे के बारे में अपनी धारणाएं लगातार बना रहे थे और अभी भी बना रहे हैं। तो मेरी कोशिश थी वो हाउ यू इमेजिन अ जर्नलिस्ट, उसको थोड़ा क्वेश्चन करने की, उसको थोड़ा टटोलने की, and to try and find more commonalities between us in a time wherein we are constantly you know feeling more isolated and divided as a society. So that was a place of starting point for me. Ravi ji, mere liye wo film ab ek chalti firti archive hai aur jaise aap usse bahut dur nikal jate hain और इस दौरान आपकी उम्र आपके चेहरे पे दिखने लग जाती है, सर से बाल गायब हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, और फिर कोई आकर बता रहा होता है कि हमने वो फिल्म देखी है आपके बारे में, तो पहली चीज स्ट्राइक करती है कि वो शायद पुरानी बात आपने देखी है अब चीजें काफी बदल गई हैं। डेफिनेटली जो विनय ने बनाया और उसमें रिकॉर्ड किया है, वो मेरी कहानी तो नहीं है। वो ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट जिनकी कहानियां नहीं कही गई, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है इस 10 साल में, उन सब की एक रिप्रेजेंटेटिव कहानी है। तो बहुत सारे पत्रकार जो हैं उससे रिलेट भी करते हैं, दर्शक को देखने का मौका मिलता है कि हम जिस जर्नलिस्ट को स्क्रीन पर देखकर क्या क्या कल्पना करते हैं, उसका जीवन है कैसा। बहुत से लोग अगर सोचते होंगे मेरे बारे में, आप गूगल में पढ़ेंगे, इंटरनेट में, तो मेरे पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियां हैं, वो हैं, लेकिन एक टूटे बिखरे कमरे में उस कंप्यूटर पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत बेयर मिनिमम रिसोर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो वो भी दिखता है वो जीवन भी, तो वो उनकी नजर में वो थोड़ा सा वो पर्दा गिरता है, गिरना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें दिखना चाहिए कि ये कोई फिल्म स्टार होने की जगह नहीं है। लेकिन इस बात के अलावा कि जरूर इस फील्ड में 10-20 लोग ऐसे लविश लाइफस्टाइल जीते भी हैं, वो भी सच्चाई है, वो स्टार की जिंदगी जीते हैं। लेकिन लोगों को झांक कर देखने का मौका मिलता है कि ये बहुत ही टफ फील्ड है और रिपोर्ट ग्लोरीफाई की जा सकती है, होनी भी चाहिए। रिपोर्टर जब ग्लोरीफाई होता है तो उसके पीछे का अंधेरा भी दिख जाना चाहिए, वो कहाँ बैठा है, कैसे काम कर रहा है।
लोगों की नजर में मैं देखता हूँ कि वो आपके स्ट्रगल से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, पूछते हैं कि लैपटॉप चाहिए क्या, फोन चाहिए, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है, पर उनका इंटरेक्शन, उनका परसेप्शन जर्नलिस्ट के बारे में काफी बदलता तो है। बिल्कुल विनय, एक चीज जो स्टैंड आउट करती है फिल्म में, और आपको बहुत लोगों ने बोला भी होगा ये, कि इस तरह से डायडेक्टिक नेचर नहीं है स्टोरी टेलिंग का, आप इंटरव्यूज नहीं ले रहे हैं, आप आपकी खुद की प्रेजेंस फिल्म में कम है, आप डायरेक्टली रवीश से बात नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई और कैरेक्टर से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, आप सिर्फ एक कैमरा को रखे हुए हैं मानो, और सब चीजें देख रहे हैं। तो ये जो स्टोरी टेलिंग का अप्रोच है, इसके पीछे आपकी क्या रीजनिंग थी, क्या डिसीजन था? अलग अलग रीजन होते हैं श्रेयस, जैसे मुझे पता था कि मैं ऐसे, मुझे लगता नहीं है रवीश का एक अपना ऑडियंस के साथ 20-25 साल ऑलरेडी एक संवाद रहा है ना, उनसे वो ऑलरेडी काफी डायरेक्ट बातचीत करते रहते हैं लगातार। मुझे कभी ये गलत फहमी नहीं थी कि मेरे पास कोई ऐसा शानदार सवाल है जो शायद, जिसके बारे में शायद रवीश ने कभी सोचा नहीं है, बात की नहीं है। तो आई वॉज ऑलवेज कमिंग इन विद अ बिट ऑफ अ, कि मैं चुपचाप बैठ के देख लेता हूँ ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और उससे कुछ बनेगा, है ना। मुझे भी समय भी लगता है थोड़ा, मतलब लोगों को समझने में, और वो जो सवाल पूछ के कहानी आगे बढ़ाने का एक मीडियम होता है, वो अच्छा मीडियम है। कुछ फिल्म मेकर्स बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, मेरे हिसाब से मुझे वो करना भी नहीं आता है शायद, इसलिए मैं हमेशा से बचपन से किसी भी कमरे में पहले चुपचाप बैठ जाता था, और चुप बैठ के आसपास लोगों को देखना, उन्हें मतलब उन्हें ऑब्जर्व करना, धीरे धीरे उनके बारे में एक अपने मन में एक जगह बनाना। आई थिंक फिल्म भी वही करती है, फिल्म धीरे धीरे आपको लेके जाती है उस ऑफिस में, रवीश के आसपास, रवीश की फैमिली के आसपास, धीरे धीरे आप इन लोगों से मिलते हैं, विच इज मोर नेचुरल फॉर मी, एंड हेंस द सिनेमैटिक अप्रोच कम्स फ्रॉम देयर। मेक्स कंप्लीट सेंस। रवीश, मुझे आपसे पूछना था कि मुझे हमेशा से लगता रहा है कि आप एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ आपके अंदर एक कहीं ना कहीं कवि छुपा हुआ है, जो जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं, उसमें भी नजर आता है कि ये लिटरेचर है, ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है। और मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा भी था आपके लिए, आपका एक वीडियो पोस्ट करते हुए, कि रवीश एक चलते फिरते उपन्यास है। तो आपको ये स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग डेवलप करने में क्या आपका कॉन्शियस डिसीजन था, किस तरह से आपने स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग डेवलप की? श्रेयस, आपका विनय से वो सवाल बहुत अच्छा था कि कोई आदमी फॉलो कर रहा है, ये सवाल भी अच्छा है, पर मैं वैसा कवि तो नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनता हूँ, तो लगता है यार ये गाना तो काश मैंने लिखा होता, यही वाला गाना मैं लिखना चाहता था, पर खुद कभी उस तरह से किसी मीटर पे कभी लाइन फ्रेम नहीं कर पाया। उसका कारण ये है कि मुझे फ्लो में लिखने की आदत है। बस वो नदी जो है पहाड़ से भर भरा कर जब गिरती है तो वो साउंड है। अब उसमें देखने में अच्छा भी लगता है कई बार, पर मैं तय नहीं कर पाता कि किस तरह से उसका रास्ता होगा, इसलिए जानबूझ के कुछ भी डेवलप नहीं किया। मुझे लगता है कि हर किसी के पास कहने की एक आदत सी बन जाती है, वो अपने ही तकिया कलाम नजरिए के साथ ही अपनी बात कहेगा। इसलिए दुनिया में इतनी सारी कलमें रोज बनती हैं, इतने सारे कीबोर्ड हैं, लेकिन तब भी कोई किसी के जैसा नहीं लिख रहा होता, सब अलग अलग तरीके से लिख रहे होते हैं। तो वो स्टाइल तो नहीं था, लेकिन जो भी था बहुत पेनफुल था एक कैमरा पर्सन के लिए, अगर मैं फील्ड में हूं तो। और अभी लगातार शोल्डर पे हैंड हेल्ड कैमरा लेके रखना, रवीश की रिपोर्ट में कभी भी मतलब फिक्स नहीं होता था कि हम इस शॉट को ऐसे लेंगे, तो वो 24 घंटा वो कैमरा रोल करता रहता था, उसमें जो मिला फिर उसके हिसाब से बनाया गया। और अब का जो आप देख रहे हैं वो तो बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है कि रोज उसकी डिटेलिंग करना, और वो सिर्फ मेरी डिटेलिंग नहीं है,
बहुत सारे पत्रकारों के काम मेरे काम में शामिल हैं। तो आपने जो रिपोर्ट की, आपके न्यूज़पेपर ने जो रिपोर्ट की, जो अगले दिन उस आपके न्यूज़पेपर के लिए पुरानी हो जाती है, पर मेरे लिए कभी पुरानी नहीं होती। तो मैं उन खबरों को लेकर दर्शकों के बीच जाता रहता हूँ और उनको याद दिलाता रहता हूँ कि ऐसी चीजें छपी हैं, मतलब इन चीजों की एक अहमियत है, वो आपको समझनी होगी। और एक जर्नलिस्ट के तौर पे अगर मैं दूसरे जर्नलिस्ट के काम को अहमियत नहीं दूंगा ना, तो वो मी माई सेल्फ वाली बीमारी मेरे में आती है। वो दिन भर मैं अपना माई इंटरव्यू, आई फर्स्ट स्पोक, आई ब्रोक, है ना। तो ये सब बीमारी से बचने के लिए मैं बहुत खुशी खुशी कहता हूँ कि मेरे काम में कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है और आई नहीं है। आप जितना भी ढूंढ लें उसमें आपको आई नहीं मिलेगा। आप मुझे देखते रहेंगे, अचानक से किसी दूसरे रिपोर्टर की रिपोर्ट आ जाएगी, उसे पता भी है कि उसका रिपोर्ट साइट किया जा रहा है। तो एक तरह से वो कलेक्टिव बनता जाता है। पर इस अब मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है, जितने भी लोग देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो ट्रेनिंग पाते होंगे देखने का, क्योंकि इसी टीवी ने देखने का तरीका तो बहुत बिगाड़ा ही ना, कितना खराब कर दिया। आप बिना नमक वाले समोसे को या बहुत चीनी वाले लड्डू को खा के कहें कि मिठाई खा ली और समोसा खा लिया, तो उसके खिलाफ भी एक लड़ाई है जो रोज चल रही है, पर इतनी आसान लड़ाई नहीं है। सारी सुविधाओं के बीच में भी डेली 8 घंटा काम करना और लंबे लंबे वीडियो बनाना, आप देखें तो कई बार मैं सोचता हूँ कि कौन देख रहा होगा, लेकिन जो देख रहा है बहुत शुक्रिया, वो लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, इसी से ऊपर एक और सवाल पूछना था मुझे कि जिस तरह से आज हम एक डिवाइडेड पोलराइज दौर में जी रहे हैं, जहाँ पे अगर आप किसी से डिसएग्री करते हैं तो वो आपका दुश्मन बन जाता है, और एक तरह से मीडिया का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है कि किस तरह से मीडिया ने एंटेगनाइज किया है कुछ लोगों को, तो ऐसे समय में मुझे आपसे पूछना था कि भाषा का उपयोग किस तरह से जरूरी हो जाता है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल आप भी आपकी वीडियोज में कभी कभी आउटराइटली कुछ चीजें बोल देते हैं, जैसे गोदी मीडिया, तो क्या आपको लगता है ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से आप उन लोगों से डायलॉग नहीं कर पा रहे जो वो न्यूज चैनल देखते हैं जिसे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गोदी मीडिया वो बहुत ही शालीन है, वैसे गुंडा मीडिया बोलना चाहिए था, लेकिन लेकिन गोदी मीडिया, चूंकि मैं भाषा बरतने को लेकर काफी सतर्क रहता हूँ, अब वो संवाद तो उनके साथ क्या होगा, मतलब कोई एक रोज रिवॉल्वर से गोलियां चला रहा है, गालियां दे रहा है, तो और जो देखने वाले हैं ये उनको नॉक करना है, मतलब ये भी एक डायलॉग का प्रोसेस है कि आप नॉक कीजिए, आइए मुझे भी असेस कीजिए, उन्हें भी असेस कीजिए। ये जो पोलराइजेशन जो है, इससे कई बार हमें लगता है ना कि दो पक्ष हैं इसमें, दरअसल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कोई दूसरा पक्ष नहीं है, वो है भी तो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। दूसरी तरफ आप देखिए जो गोदी मीडिया का एम्पायर है वो कितना बड़ा है, कितने एंकर हैं, कितने मालिक हैं उसमें, कितने हजार रिपोर्टर हैं, तो पूरी फौज है, पूरी मार्केट है जो उनको एडवर्टाइजमेंट देती है, पूरी गवर्नमेंट है। तो वो उससे हम उसके सामने हम दो चार लोगों को आप कह के ये नहीं कह सकते कि पोलराइज है, देयर इज टू ओपिनियन, हमारे बहुत ही माइनॉरिटी का ओपिनियन है, लेकिन वो काफी बड़ा, एक समंदर के सामने आप तालाब की तुलना नहीं कर सकते। तो उसको आखिर उसके बारे में कैसा बोला जाए कि आपके शहर में अगर पूरा कचरा फैल जाए बारिश के दिनों में, पूरा ड्रेनेज का पानी आ जाए शहर के बाहर, तो वो तो बोलना ही पड़ेगा कि ड्रेनेज का पानी आ गया है। विनय, फिल्म की एडिटिंग जो है वो आई थिंक सबसे आइकॉनिक बोल सकते हैं, क्योंकि 2 साल के फुटेज को 90 मिनट की फिल्म में कन्वर्ट करना एक टास्क रहा होगा, तो फिल्म का जो स्ट्रक्चर था उस पर आप किस तरह से आए कि हम शुरू यहाँ से करेंगे और एंड वो फोन कॉल से करेंगे जब रविश बोलते हैं कि नमस्कार मैं रविश कुमार, तो वो स्ट्रक्चर पे आप कैसे अराइव किए? कुछ चीजें आपको पता होती हैं, इन द सेंस के मोटा मोटा जब हम शूट कर रहे थे तो आपको कुछ मोमेंट्स लगते हैं कि ये डालने चाहिए, पर काफी चीजें हैं, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, जो लिटरली लास्ट के एक महीने में हमने वर्कआउट करी है ना। जैसे कि फिल्म कहाँ खत्म होगी ऐसा नहीं है शुरू में ही पता था, इट्स लिटरली कि लास्ट के 15 दिन में आप फिगर आउट कर रहे हैं कि एंडिंग कहाँ होनी चाहिए, वो लास्ट फिल्म का सुर क्या होना चाहिए, क्योंकि फॉर दैट लास्ट थिंग टू वर्क अ लॉट ऑफ थिंग्स प्रीसीडिंग इट नीड टू वर्क, राइट।
तो जैसे किसी फिक्शन फिल्म की एडिटिंग होती है, वैसे ही डॉक्यूमेंट्री में भी आप अलग अलग एंडिंग्स ट्राई करते हैं, जो आपके पास फुटेज होती है कि यार ये वर्क कर रहा है क्या, ये वर्क कर रहा है क्या। आई न्यू दैट द फिल्म इज अ वेरी इट्स अ सॉम्बर, इट एंड्स ऑन अ वेरी सॉम्बर नोट। यू नो, ऐसा नहीं है कि फिल्म में पिछले एक घंटे का रवीश का स्ट्रगल है और फिर अगला आधा, लास्ट का आधा घंटा रवीश को अवार्ड मिल रहा है और धड़ाधड़ तबला बज रहा है और एंड में वो एकदम जीत के पार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। आपको लगातार एक तो फीलिंग आई रही है कि शायद दिस इज अ लूजिंग बैटल, राइट? और उस बैटल में कोई बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं होती है एंड में। उस बैटल में भी एट द एंड ऑफ द फिल्म यू सी, यू नो, इट्स नॉट अ वेरी बिग विक्ट्री इन इन द सेंस दैट, यू नो, बट येट इट्स सिग्निफिकेंट कि यू नो व्हेन सौरभ कम्स एंड सेज व्हाट ही वांट्स टू से। एंड आल्सो फॉर रवीश, एट द एंड ऑफ द डे यू नो ही गोज बैक टू हिज रेगुलर जॉब। आप कितना भी, आपको कई बार यू नो के लगेगा कि आपने बहुत कुछ उखाड़ लिया, बहुत कुछ बड़ा कर लिया, फिर अगले दिन तो आपको उसी दिन, उसी जिंदगी, उसी रोशनी, मतलब उसी सूरज के दिन, यू नो यू हैव टू गो अंडरनीथ द सेम सन। तो द इट इज आल्सो टू लुक बैक एट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। एंड इन टर्म्स ऑफ एडिट स्ट्रक्चर, मेरा मेरे एडिटर हैं अभिनव और मेरी स्टोरी लीड है रेशमा। इन लोगों ने बहुत बैठ के काम किया है, इन्होंने कई 100 फिल्में लगातार देखी हैं, उनका स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन किया है और उस फिल्म को एक लार्जर स्ट्रक्चरल आर्क दी है। जो एक तो होता है कि हम मेरे मन में क्या लगता है मेरे मुझे फला फला के बारे में, और उसके लिए आ, 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 जैसे बिल्डिंग जो जवाब बनाते हैं तो उसके लिए यू नो खुदाई होती है, फिर पिलर्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, फिर फाउंडेशन ले की जाती है, फिर धीरे धीरे वो मलबा डलता है, स्ट्रक्चर बनता है। वैसे ही टेक्निकल फिल्म का काम होता है। इसपे मेरे पास एक बहुत शानदार टीम थी जिन्होंने बहुत डिटेल में एक रवीश की और उनके आसपास की जितने कैरेक्टर्स हैं सबकी आर्क है। अगर आप देखेंगे फिल्म में तो छोटे छोटे कैरेक्टर्स जो भी हैं उनकी भी आपको एक आर्क दिखाई देगी जिसपे बहुत काम किया गया। मेक सेंस। लास्ट सवाल दोनों के लिए था। दोनों के आप दोनों के स्ट्रगल्स, विनय आपका फिल्म मेकिंग का स्ट्रगल था 2 साल का, रवीश आपका स्ट्रगल तो बहुत सालों से चालू और अभी भी चल रहा है, कि किस तरह से सच्चाई की जो छवि है वो कम नहीं होनी चाहिए और सच्चाई के लिए हमेशा लगना है, उसके लिए हम सब आपको लुकअप टू करते हैं। तो जब आप पिछले कुछ सालों में मीडिया के रूप को बदलता देख रहे थे तब, और जब आपको थ्रेट्स आ रहे थे, अटैक्स हो रहे थे, तरह तरह की चीजें हो रही थी, तब आपको कभी ऐसा लगा कि यार छोड़ देना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये लड़ाई क्या वर्थ इट है सही में, ऐसे कभी थॉट्स आए? रोज लगता है, उस समय भी लगता था। मैं शुरुआत ही इस बात से करता हूँ कि अब बहुत हो गया, लेकिन पहला शब्द टाइप करता हूँ तो लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये डाउट होते रहना चाहिए। देखिए, जैसे ही वो अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव आता है ना, बड़ा खतरनाक। तो ये जो डेली बहुत लगातार जो विनय कह रहे थे काम करने की जो चीज है, वो आपको विनम्र बनाए रखती है। तो आप जरूर मुझे इंटरव्यू के जरिए देख रहे हैं, लेकिन दरअसल मेरी जिंदगी सेलुलर अंडा सेल में बंद रहती है, सेलुलर जेल में। मैं उसी कमरे में सुबह से लेके शाम तक, मतलब बाहर जब न सूरज को उगते देखता हूँ ना डूबते देखता हूँ, तो ये रोज की प्रक्रिया है। तो कुछ तो बदलता नहीं, पर जरूर हताशा, निराशा, ये सब स्वाभाविक चीजें हैं, ये होनी चाहिए, तभी आपको उम्मीद का पता चलता है। तभी मुझे कई बार लगता है कि विनय ने जो मेरी फिल्म बनाई है उसमें कितनी कमियां हैं, उसमें एक भी गाना नहीं डाला उसने, है ओपनिंग टाइटल नहीं है, कम से कम रेखा भारद्वाज से ही गाना गवा लेता, और नहीं वरुण ग्रोवर से कह देता लिख दो बिना गाने का एक्शन फिल्म का। मैंने कपड़े भी अच्छे नहीं पहने उसे, तो पता ही नहीं चला कि फिल्म बन रही है। लेकिन अब कोई, मैं चाहता हूँ कोई ऐसी फिल्म बनाए जिसमें मुझे पता रहे कि फिल्म बन रही है, और कैमरा रोल करने से पहले मैं थोड़ा मेकअप कर लूं, मेरे सर पे बाल आ जाए, और एक ब्लैक चश्मा तो होना ही चाहिए था, वो भी नहीं है उस फिल्म में। तो वो क्या है, ये सब ड्रॉबैक है जो मैं आगे के लिए विनय को बता रहा हूँ। तो विनय को भी आपको लगा ऐसा सेल्फ डाउट हुआ कि क्या मैं जो बना रहा हूँ क्या वो सही में कुछ टेंजिबल फॉर्म लेगा? सेल्फ डाउट कभी हुए आपको? नहीं, सेल्फ डाउट तो होते हैं।
मुझे पता था कि टेंजिबल फॉर्म तो ले ही लेगा, मुझे इतना अपने आप में भरोसा है कि मैं टेंजिबल फॉर्म तो दिला ही दूंगा। मुझे पता नहीं था कि वो फॉर्म चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि और या लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, या अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको जब भी आप बना रहे होते हैं आपका उस उन चीजों पर तो आपकी हालत खराब होती है। और मुझे एक लार्जर मायूसी थी लोगों के बारे में कि यार ऐसा, मतलब जो आप टीवी पे देख रहे होते हैं, जो आपको कॉन्स्टेंटली बिलीव कराया जाता है कि लोग ऐसे हैं, तो उसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट तो आप पे भी होता है, क्योंकि आप आप भी वही पॉपुलर मीडिया देख रहे हैं, आपका भी दोस्त घर परिवार वह वैसा ही बन रहा है जैसा टीवी पे कई बार दिखाया जाता है, तो उससे एक प्रकार की आपको बेचैनी होती है, उदासी होती है, जो काफी कम हुई है, काफी छटी है फिल्म के निकलने के बाद, क्योंकि लोगों ने फिल्म देखी है और लोगों ने मुझसे आके बहुत बहुत पोलाइटली विद अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी बात करी है फिल्म के बारे में। और ऐसा नहीं है कि ये लोग एकदम मेरी तरीके के लोग थे, अलग अलग somebody sent me a video, किसी की मदर ने फिल्म देखी थी उनके साथ बैठ के, और वो हिंदी में बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि एक तो उन्होंने पहले तो मतलब रवीश का काम थोड़ा फॉलो किया हुआ था, पर उन्होंने मुझे रवीश की आर्क बताई 15 साल की, ये बदला है, और फिर उन्होंने बताया कि फिल्म में उन्होंने क्या क्या सीखा, और फिर वो मुझे फिल्म की एग्जाम्पल दे रही थी कि हमने ये फिल्म देखी थी, इसमें ऐसा देखा था, फिर आपकी फिल्म में देखा। तो आपको लगातार ये थोड़ा थोड़ा भरोसा मुझे वापस हुआ है कि नहीं, लोग देख रहे हैं और लोग याद रख रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। अगर आप उनके पास बात जाके बात करने की कोशिश करेंगे तो लोग तैयार है बात करने के लिए, बात सुनने के लिए, एंड दैट हैज बीन वेरी नाइस, दैट हैज बीन वेरी रीअफर्मिंग। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस फिल्म फॉर दैट। डेफिनेटली डेफिनेटली लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में भी लोग देखेंगे। थैंक यू सो बिल्कुल, मच मूवी इंडिया रमेश। पे लोग देख रहे हैं, और कई बार लोग पूछते हैं मूवी इंडिया क्या है, तो मैं कहता हूँ आप डाउनलोड करो नेटफ्लिक्स अमेज़न की तरह, फिर देखते हैं। और बहुत तब दर्शक के भीतर जर्नलिस्ट फिल्म को लेकर, प्रोफेशन को लेकर एक अलग तरह का ही प्रोसेस चल रहा होता है, जो अपनी रियलिटी से उसको जज कर रहा होता है। तो वो फिल्म जो भी देख रहा है वो मालूम नहीं कि जब उनका एक्सप्रेशन फीडबैक वगैरह आता है, तब लगता है कि विनय ने कोई काम किया है, तब लगता है मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि फिल्म तो इसने बनाई है। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच विनय रवीश इस लवली थैंक डिस्कशन के यू लिए, श्रेयस, एंड ऑल द थैंक बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट बोथ ऑफ यू डू इन फ्यूचर। यू, थैंक्स थैंक यार। यू।